जय हिंद फिश मंडी, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो जास एनर्जी लिमिटेड कंपनी के बारे में। आपको इस कंपनी के बोनस शेयर्स के अपडेट दूंगा। बहुत से लोगों को इस कंपनी के बोनस शेयर्स मिल गए हैं, हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको अभी तक बोनस शेयर्स नहीं मिले हैं। मैंने जब इस कंपनी ने बोनस शेयर्स देने का अनाउंसमेंट किया था, तभी वीडियो बनाया था। पिछले मेरे चैनल पर देखेंगे तो एक दो वीडियो इससे रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ बोनस शेयर्स जिसको नहीं मिला है, किस वजह से नहीं मिला है, कब तक मिलेगा उसकी बात करेंगे। साथ में कंपनी अभी जो IBC यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी कोर्ट इससे जो कंपनी गुजर रही है, कब तक इससे बाहर आएगी, ताकि अभी भी देखेंगे तो इसमें ट्रेडिंग रेस्ट्रिक्टेड है, तो कब से इसमें ट्रेडिंग शुरू होगा, मेन चीज वो है। ताकि बहुत से लोगों ऐसा पैसा फंसा हुआ है तो वो जाहिर सी बात है अपने शेयर्स को बेच के निकलना चाहेंगे। बोनस शेयर्स उतना काम का नहीं रह जाएगा यदि कंपनी में ट्रेडिंग शुरू नहीं होती तो इस बात को हमें समझना होगा। शुरू से शुरू करेंगे। सबसे पहले उजास एनर्जी लिमिटेड के बारे में मैं एक संक्षिप्त में आपको जानकारी दे दूं। तो ये जो कंपनी है सोलर, देखिए दो तीन सेक्टर में ये कंपनी आपको कामकाज करते हुए नजर आ जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी ट्रांसफार्मर, सोलर पैनल और सौर ऊर्जा प्रणालियों का विनिर्माण करने के मतलब बिक्री करने का भी कंपनी कामकाज करती है। आसान भाषा में कहें तो कंपनी एक सोलर एनर्जी कंपनी है जो सोलर एनर्जी प्लांट के निर्माण, बिक्री और उसके रख रखाव का कामकाज करती है। इन दिनों कंपनी ने एक नया वर्क शुरू किया है। ये जो टू व्हीलर मार्केट होता है उसमें ये कंपनी कदम रख चुकी है, यानी कह सकते हैं स्कूटी स्कूटी बनाने का कंपनी कामकाज करते हुए कुछ समय में नजर आ सकती है। हालांकि उन सबसे जो ज्यादा जरूरी चीज है वो कि कंपनी में जल्द से जल्द इसमें ट्रेडिंग शुरू हो जाए। बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा हो कि जब कंपनी में क्वार्टर्स के नंबर आने वाले होते हैं, जैसा आपको पता है अभी सभी कंपनियों के क्वार्टर 2 के नंबर आने वाले हैं, तो जब जब क्वार्टर्स के नंबर आने वाले होते हैं तब भी कंपनी में ट्रेडिंग क्लोज की जाती है। ये वो ट्रेडिंग विंडो क्लोज होने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कंपनी में पूर्ण रूप से जो एक्सचेंज होते हैं एक्सचेंजेस ने इसमें ट्रेडिंग बंद कर रखी है, क्योंकि कंपनी अभी दिवालियापन की प्रक्रिया से गुजर रही है। देखिए यहाँ पे बहुत से लोग कंपनी के शेयर प्राइस को देख के आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि इस चैनल पर तो इतने हैवी शेयर प्राइस वाली कंपनियों की बातचीत होती नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने पिछले ही वीडियो में आपको बताया था कि ये चूंकि एक साल में कंपनी ने तकरीबन 1900% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, जिस वजह से यहाँ पे शेयर प्राइस आपको इतना ज्यादा बढ़ते हुए दिखा है। शेयर प्राइस लगभग 1 रुपए के आसपास ही था। ये क्या हुआ, यहाँ से जब बढ़ना शुरू हुआ तो बढ़ते बढ़ते देखेंगे बीच में कहीं रुका नहीं है, और यहाँ से बढ़ के प्राइस तकरीबन 600 करीब चला गया। हालांकि ये प्राइस अभी बढ़ते ही जा रहा है। मैं जब से इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ तब से इसका प्राइस 400 रुपये था, और 400 रुपये से देखेंगे बढ़कर तकरीबन एक मंथ के अंदर ही 600 रुपये के आसपास आ गया है। यानी कि ये रिटर्न तो दे रहा है लेकिन इसका बेनिफिट हमें कुछ खास मिलते हुए नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि एक तो नया शेयर लोग इसमें बाई नहीं कर पा रहे हैं। अब जो लोग पहले से बाई करके इसमें बैठे हुए हैं उनको ही ये उनके मतलब वैल्यूएशन इसका बढ़ता हुआ दिख रहा है, और चूंकि शेयर का प्राइस बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है फायदा तो हो रहा है, लेकिन अगर कोई बेच के निकलना चाहे तो बेच के निकलेगा भी नहीं, क्योंकि जैसे मैंने बताया इसमें ट्रेडिंग बंद है। तो चलिए चलते हैं BSE इंडिया की वेबसाइट पर, वहां पर आगे की बातों को समझते हैं। देखिए अभी हम लोग आए हैं BSE इंडिया की वेबसाइट पर, और यहाँ पर आप देखेंगे जास एनर्जी लिमिटेड जो कंपनी है इसमें ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्टेड है ड्यू टू अकाउंट ऑफ IBC यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी कोड। ये जब भी कंपनी दिवालियापन की प्रक्रिया से गुजर रही होती है तो ये IBC के तहत ही उसको NCLT कोर्ट में लाया जाता है। यहाँ पर देखेंगे इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन प्रोसेस अभी स्टेज 1 में है, फिर स्टेज 2 में आएगा, हो सकता है स्टेज 3 तक आते आते ये जो IBC की प्रक्रिया उससे बाहर हो जाए, यानी कि इसमें ट्रेडिंग फिर से शुरू हो जाए। अभी इसका विवाद चल रहा है, यहाँ पे न्यूज में मैं आपको दिखा दूँ तो ये कोई नया विवाद नहीं है। जब आप न्यूज में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो विवाद है टोटल जो रुपए हैं 74 करोड़ 81 लाख के आसपास का विवाद है टोटल, और 2019 में एक केस शुरू हुआ था। इसमें जब यहाँ पे आप न्यूज में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्रेडिटर्स को तकरीबन इसमें से 68 करोड़ 81 लाख रुपए देने हैं। अगर कंपनी उतनी दे देती है तो इसमें फिर से ट्रेडिंग शुरू हो जाएगा, नहीं होगा। और यहाँ पे भी देख सकते हैं सबसे पहले एक चीज की ये जो उजास एनर्जी लिमिटेड के खिलाफ IBC NCLT में विवाद गया था 2019 में गया था, टोटल मामला 150 करोड़ के आसपास था, लेकिन इसमें से इसमें बताया कि यही 70 लाख के आसपास रुपए देने हैं। दे देते हैं तो IBC की प्रक्रिया से कंपनी मुक्त हो जाएगी, कंपनी में ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी, और अगर नहीं दे पाते तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो भी नया कंपनी इसको टेक ओवर करेगी वो इस कंपनी के डेब्ट को चुकाएगी, और हो सकता है कि इस कंपनी का फिर आगे चल के मर्जर हो जाए और उसके नाम से जो भी कंपनी इसको बाय करेगी इस मार्केट में इस कंपनी के शेयर्स मिलने लगे। तो आपका शेयर्स अभी सेफ, घबराने वाली कोई बात नहीं, चाहे उजास एनर्जी में अभी आपका इन्वेस्टमेंट है या हो सकता है कि नया कंपनी टेक ओवर करने के बाद उसमें इसका मर्जर हो जाए, तब भी आपका शेयर फिर भी सेफ ही रहेगा, नाम भले चेंज हो सकता है, तो इसको लेके घबराना नहीं है। ट्रेडिंग उम्मीद है जल्द से जल्द शुरू हो जाएगी, क्योंकि IRP स्टेज 1 में है, IRP स्टेज 2 में आएगा, और 3 आते आते वो फिर से उसमें ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। बोनस शेयर्स का अपडेट यहाँ पे दे देता हूँ। देखेंगे 1:4 के रिश्ते में कंपनी ने बोनस शेयर्स देने का अनाउंसमेंट किया था। 20 सितंबर के पहले जिन लोगों ने कंपनी के शेयर्स को बाय किए होंगे सिर्फ वही व्यक्ति एलिजिबल होंगे बोनस शेयर्स को पाने के लिए। 4 शेयर जिसके पास होगा उसको 1 एक्स्ट्रा शेयर्स मिलेगा, यानी कि
हर चार पे एक एक्स्ट्रा शेयर मिलने की बात कही गई है। बोनस शेयर्स क्रेडिट होने में रिकॉर्ड डेट से 20 से 45 दिनों का समय लगता है। तो अभी देखिए 45 दिन तो टोटल नहीं हुए हैं, इसलिए जिसको भी बोनस शेयर्स नहीं मिला है उसको परेशान नहीं होना है, 45 दिनों तक वेट कीजिए। 45 दिनों तक निश्चित निश्चित ही आपके डीमेट अकाउंट में इस कंपनी के जो बोनस शेयर है, जो एक्स्ट्रा शेयर आपको मिलने हैं वो आ जाएंगे। नहीं मिलेंगे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं क्या उपाय करते हैं इसके बाद, कैसे अपने KRA को संपर्क करते हैं, मैं आपको उपाय बता दूंगा या आगे भी वीडियो बना के इसके बारे में अपडेट कर दूंगा। बहरहाल इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, वक्त देने के लिए आपका शुक्रिया। मन में कोई सवाल है कमेंट में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।